ये सवाल आप गलत इंसान से पूछ रहे हैं, क्योंकि जो डिजाइनर है वो यहाँ खड़े हैं, विक्रम फडणीस जी. पर मुझे आई टेल यू, मुझे इंडियन कपड़ों में ना, लोग सोचते हैं कि इंडियन कपड़ों में वैरायटी बहुत होती है, पर आई थिंक दैट यू नो जो चार पांच छह स्टाइल्स होते हैं वो सब ने यूज़ कर लिए हैं. आज जब मैं अपनी आउटफिट जब मैंने पहली बार देखी तो इट वॉज बहुत इंटरेस्टिंग, बिकॉज ये जो मेटालिक स्कर्ट विक्रम जी ने डिज़ाइन किया मुझे बहुत अच्छी लगी, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ, हमेशा हम फ्यूजन की बात करते हैं बट दिस इज़ फ्यूजन इन इट्स ट्रूएस्ट वे. और जो इनकी गाने की सिलेक्शन भी थी, स्वदेश जिस पे इन्होंने चलाया, सो यू नो इट जस्ट आई थिंक इट कीप्स एवरीथिंग इंटैक्ट. और द लुक इज़ वेरी स्टाइलिश, कीपिंग ब्लेंडर्स प्राइड, जो मैजिकल नाइट्स हैं, यू नो इट्स ऑल अबाउट स्टाइल एंड इट्स ऑल अबाउट फैशन. बट अगर आप विक्रम फडणीस जी की बात करें तो यू नो इट्स अबाउट कीपिंग योर इंडियननेस अलाइव एज वेल. सो ऑल इन ऑल, जैसे आप लुक के बारे में कह रहे हैं, आई लव्ड बीइंग इन दिस आउटफिट. आप खास तौर पर पूना में आते जाते रहते हो, जी. पूना की जो संस्कृति है, जी. आप फैशन में रहना पसंद करते हैं पूना में, खास तौर पर स्टाइल. यू नो बहुत बहुत मुश्किल होता है हम लोगों को ऐसे सवालों का जवाब देना, क्योंकि हम जब आते हैं तो सिर्फ दो ही घंटों के लिए आते हैं. ज़्यादातर तो वक्त हम गाड़ी में ही बिता देते हैं, चार घंटे यहाँ पहुँचने में, दो घंटे काम में और फिर चार घंटे वापस. मैं पूना बहुत बार आई हूँ बट अनफॉर्चुनेटली मुझे यहाँ पे कभी भी वक्त बिताने का, यू नो आई हैव नेवर हैड द टाइम टू डू इट. पर मैं, और क्योंकि हमें हमेशा लगता है कि बॉम्बे के इतने पास है, किसी ना किसी दिन ज़रूर आएंगे, बट यू नो आई ऑलवेज हैव टू रश बैक फॉर वर्क, पर मैं ज़रूर आऊँगी वापस. अलग फैशन के कपड़े पहनते हैं जी, पूना की नौवारी जो रहती है, जो रेगुलर साड़ीज लेते हैं जी, आपको पहनना अच्छा लगता है? जी हाँ बिल्कुल, साड़ी पहनना अच्छा लगता है. अगर आप पूना की किसी पर्टिकुलर तरह की साड़ी पहनने की बात करें, मेरे को कभी या तो फिल्मों में वो किरदार नहीं मिला या फिर कोई डिज़ाइनर ने सोचा नहीं मेरे बारे में. आई एम विक्रम जी भी यहीं के रहने वाले हैं, आई एम श्योर वो अगर मेरे लिए ऐसा कोई आउटफिट बनाए तो मैं ज़रूर पहनूंगी. आगे जाके चल रहा है जो डिज़ाइन था वो स्पेशल रहा. Gentlemen, with a huge round of applause.